संजय जी देरी से हालांकि आप जुड़े, मैं चाहती थी शुरुआत आप ही से करूं। ये मैसेज यही है क्या जो अभी उदयवीर जी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन के वोट हरियाणा में समेटने में नाकामयाब रहे, फेल रहे, और ये आपका सर्वे है कि ओबीसी भी गया और दलित भी गया कांग्रेस के खाते से, ये एक सीमेंटेड वर्जन ऑफ फैक्ट्स है। देखिए कहीं ना कहीं जो जातिगत आधार पे जब हम देख रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि वोट किसका किधर गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा का चुनाव वो जाट वोट और दलित वोट की गोलबंदी से जीत पाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। जाट वोट की भी हिस्सेदारी देखें तो कांग्रेस को तकरीबन 56-58% वोट मिले, जो एक साइजेबल है, इतना ही लगभग मिलता है किसी पार्टी के पक्ष में अगर कोई जाति खड़ी दिखाई पड़ती है तो। लेकिन जहां दलित वोट का सवाल है उसमें कांग्रेस धोखा खा गई या कांग्रेस से चूक हो गई, क्योंकि दलित वोट को अगर आप देखें तो दलित में अगर हम जाटव को अलग करें और गैर जाटव दलित को देखें तो जाटवों का वोट तो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई पड़ता है, जिसकी तादाद लगभग 9-10% है। लेकिन 9-10% जो गैर जाटव दलित हैं जिनका वोट बीजेपी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, जाहिर है ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कांग्रेस को जिसकी उम्मीद थी कि दलित वोट उनकी ओर पोलराइज्ड रहेगा, उनके पास कुमारी शैलजा जैसी बड़ी दलित नेता हैं और बीजेपी के पक्ष में कोई बड़े दलित नेता नहीं थे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। और निश्चित रूप से ये जो गोलबंदी कांग्रेस करना चाहती थी नहीं कर पाई, जातियों की गोलबंदी। तो यानी कि वो जो साल भर का माहौल, साल भर की मेहनत, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, संविधान का नैरेटिव, जातिगत जनगणना, जितनी आबादी उतना, हाँ कि जितने नारे फ्लोट किए गए, जितनी मेहनत हुई वो धराशायी होती दिखी हरियाणा में, संजय जी? देखिए मेहनत तो की गई पार्टी के द्वारा, लेकिन धराशायी होने का क्या कारण है? हालांकि सर्वे इस ओर इशारा नहीं करते, एक आध सवाल हमने पूछे थे उसमें वो इशारा करते हैं कि कांग्रेस के बीच में जो घमासान मचा हुआ था, आप देखें अद्भुत चीज है, दो लीडर जो दोनों एस्पिरेंट, पूछ रही हूं आपसे ओबीसी और दलित। हाँ नहीं, मैं दलित वोटर की बात कर रहा हूँ कि दो कांग्रेस के दो बड़े स्थानीय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट समुदाय से हैं और कुमारी शैलजा जो दलित समुदाय से हैं, दोनों की आपस में बनती नहीं, बातचीत नहीं होती। अब सवाल यह है कि जब आप एक कॉमन लड़ाई लड़ रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ और ऐसा संदेश जा रहा है लोगों के बीच में, और संदेश क्या जा रहा था, लगभग ऐसा जा रहा था कांग्रेस चुनाव जीतेगी और भरसक एक जाट ही मुख्यमंत्री बनेगा, तो कहीं ना कहीं दलित समुदाय के वोटरों को आशंका थी, उन्हें नाराजगी तो कह नहीं सकते नाराजगी, लेकिन आशंका जरूर थी कि भाई अगर कांग्रेस जीती तो सारी मलाई जाटों के हाथ में जाएगी और हम धरे तो के धरे रह जाएंगे। दलितों का हमने सर्वे में एक सवाल भी पूछा था, रुझान दिखा था संजय जी 2024 में कांग्रेस की तरफ, ये उत्तर प्रदेश के ग्राउंड को कमजोर करेगा क्या, और अखिलेश यादव यही भांप रहे हैं क्या? उदयवीर सिंह कह रहे हैं कि भाई हरियाणा का बैटल अलग है, उत्तर प्रदेश का बैटल अलग है, लेकिन मैसेज फ्लोट करता है क्या और ये करेगा क्या? यूपी उपचुनाव की बात कर रही हूं अभी। नहीं मैं समझ रहा हूं। नहीं देखिए मैसेज इसलिए फ्लोट नहीं करेगा उस कारण से, अगर आप समाजवादी पार्टी गठबंधन और कांग्रेस के लोग अगर यूपी के उपचुनाव में भी आपस में सिर फुटावल करें और ऐसी ही गठजोड़ पेश करें जनता के सामने तो यहाँ भी नुकसान होगा, लेकिन अगर गठजोड़ ठीक ठाक रहा, सर फुटावल नहीं हुआ, आपसी घमासान नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में जो हुआ दलित वोट के साथ वो यूपी में होगा, वो हरियाणा तक ही सीमित रहेगा, उसका कोई प्रभाव यूपी में मैं नहीं देखता। अच्छा तो महाराष्ट्र पे मैं अगले राउंड में आऊंगी गुरु।